राष्ट्रपतींकडून समता मूर्तीला अभिवादन केले गेले। जगातील दुसरी सर्वात उंच प्रतिमा ही समता मूर्तीची आहे। समता मूर्ती बनवण्यासाठी 1800 टन पंचधातूंचा वापर करण्यात आला। सदियों पहले मंदिर और मठ संस्कृति और कार्य व्यवस्था के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। उस परिवेश में समानता की स्थापना करने के लिए श्री रामानुजाचार्य ने समाज के पिछड़े वर्गों को मंदिरों और मठों की व्यवस्था में सहभागी बनाया। इस प्रकार हमारे संविधान के समता मूलक आदर्श श्री रामानुजाचार्य के विचारों और कार्यप्रणाली में स्पष्ट दिखाई देते हैं।